ओम नमो शिवाय। आपका अपने चैनल सांची वेरा में बहुत बहुत स्वागत है। अगहन 20 तारीख से अगहन महीना का आरंभ हो चुका है। इसको मार्गशीर्ष महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीना विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। मद भागवत गीता में विष्णु जी ने कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, और धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य की पूजा का भी विशेष फल बताया गया है मार्गशीर्ष के महीने में। तो आइए जानते हैं कि सूर्य को कैसे जल चढ़ाएं और किन बातों का ध्यान रखें। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं। सूर्य को जड़ने वाला जल किसी चौड़े बर्तन में गिरे। जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो नीचे कोई बड़ा बर्तन रख लें, जिससे कि जो आप सूर्य पर जल चढ़ा रहे हैं वो ज़मीन पर ना गिरे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद कुछ देर सूर्य के सामने बैठकर ओम आदित्याय नमः मंत्र जगा जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। भगवान सूर्य के चढ़ाए हुए जल को तांबे के किसी बर्तन में इकट्ठा करने के बाद मदार के पेड़ में चढ़ा दें। यदि मदार का पेड़ आसपास ना हो तो यह जल आप तुलसी के पौधे में भी चढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो किसी के पैरों पर ना लगे। रविवार के दिन आपको क्या दान करना चाहिए? गेहूँ, गुड़, ऊनी कपड़े, कंबल का दान करना चाहिए।